गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर में गंडक नदी पर बने दूसरे सबसे बड़े महासेतु बंगरा घाट महासेतु का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस मौके पर गोपालगंज, छपरा, चंपारण और मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सहित कई अन्य अधिकारी और नेतागण मौजूद रहे। गोपालगंज सीमा की गंडक नदी पर निर्मित यह चौथा महासेतु है। स्वतंत्रता दिवस के 3 दिन पहले बैकुंठपुर में बना बंगरा घाट महासेतु आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। सारण को चंपारण और तिरहुत से जोड़ने वाला 1506 मीटर लंबा और 509 करोड़ की लागत से ये बना यह पुल है। 15 मीटर चौड़ाई वाले इस पुल को बनाने में 5 साल 4 महीने लगे हैं। इस महासेतु के शुरू हो जाने से 6 जिलों के करीब 8 लाख की आबादी के आवागमन को नया आयाम मिलेगा। यह पुल 8 किलोमीटर साहिबगंज और छपरा की तरफ से 11 किलोमीटर यानी कुल 19 किलोमीटर अप्रोच पथ बनाया गया है। इस पुल का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के माध्यम से एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा कराया गया है। इस महासेतु के बन जाने से मुजफ्फरपुर के साहिबगंज, चंपारण के केसरिया, गोपालगंज के बैकुंठपुर और छपरा के पानापुर इलाके के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। इस बंगरा घाट पुल का उद्घाटन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनकर तैयार हुआ। इसमें 509 करोड़ रुपए की लागत आई और ये 1506 मीटर लंबा है। पुल के बन जाने से अब सीमांत छपरा, गोपालगंज, चंपारण और मुजफ्फरपुर को एक साथ जोड़ रहा है। स्कूल के बन जाने से फायदा वही सियारे के क्षेत्र का विकास होगा और नेपाल से भी हमारी व्यापार बढ़ेगी। आपके जनक अयोध्या से लेकर जनकपुर धाम के जो सर्किट बन रही है उस सर्किट को भी लिंक करेगा। दूसरा वैशाली, सारनाथ से वैशाली तक जो हमारे महावीर, भगवान महावीर का जन्म स्थली है वो सर्किट बनेगा, उसको भी लिंक करेगा। और साथ साथ हमारे ये पुल के बनने से गोपालगंज सीवान छपरा से मुजफ्फरपुर की दूरी को 55 किलोमीटर कम करेगा, दरभंगा की दूरी 65 किलोमीटर कम हो जाएगी और जनकपुर की दूरी 70 किलोमीटर कम हो जाएगी। इतनी दूरी कम होने से आप समझ लीजिए कि इतने कम समय में हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, विकास होगा और पड़ोसी देश से भी हमारी व्यापार बढ़ेगी। इस सौगात के लिए जो हम लोग मुख्यमंत्री जी ने ये तीसरा सौगात गोपालगंज को दिया है महासेतु के रूप में। पहला था बंगरा का ये आपका मंगल महासेतु, दूसरा सप्तरघाट महासेतु, आज तीसरा बंगरा घाट महासेतु की सौगात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ।